बेस्ट सप्लीमेंट फॉर रनर। दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको बेस्ट सप्लीमेंट बताऊंगा, क्या फायदा है, क्या नुकसान है, स्पीड बढ़ेगी या स्टेमिना बढ़ेगा। दोस्तों वीडियो पूरा एंड तक देखना, आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। तो दोस्तों इसे कौन कौन ले सकता है? दोस्तों 17 से 18 आपकी एज होनी चाहिए, बेस्ट वर्कआउट होना चाहिए, यानी कि आपने एक दो राउंड करा और सीधा बस वर्कआउट छोड़ दिया, ये बेस्ट वर्कआउट नहीं है। वर्कआउट की वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा मैं आपको। बेस्ट वर्कआउट होनी चाहिए और उसके बाद आपका बेस्ट डाइट होना चाहिए, यानी कि आप सिर्फ चना खाए और आपका बेस्ट डाइट हो गया। पूरा एक डाइट प्लान मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका भी लिंक दे दूंगा। अगर आपका ये तीनों बेस्ट चीज है तो आप ये सप्लीमेंट जो मैं बताने वाला हूँ ये ले सकते हो। कब लेना है, कैसे लेना है, मैं धीरे धीरे आपको करके बताऊंगा। दोस्तों सबसे पहला पॉइंट मैं बात करूंगा मल्टीविटामिन के ऊपर। दोस्तों मल्टीविटामिन एक ऐसी चीज है, जैसे कि आप खाना भी खा रहे हो ना तो भी आपकी बॉडी को पूरा मल्टीविटामिन खाने से नहीं मिलता, आपको एक्स्ट्रा थोड़ा बहुत सप्लीमेंट या टैबलेट के फॉर्म में लेना ही पड़ेगा मल्टीविटामिन। मल्टीविटामिन कोई भी ले सकता है, और नॉर्मल मल्टीविटामिन बताऊंगा जो कि मैंने खुद यूज कर रखा है A to Z। दोस्तों ये मल्टीविटामिन ऐसे में सारे मल्टीविटामिन मिल सकते हैं, आप ये ले सकते हैं। फोटो आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। फिर बात करूंगा मैं लिम्सी की। लिम्सी दोस्तों हमारी रिकवरी के लिए बेस्ट है, विटामिन सी जो कि हमारे बेस्ट है। और दोस्तों एक नाम मेरे को ध्यान नहीं आ रहा जो कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, ये फोटो, आप ये वाला मल्टीविटामिन ले सकते हो। या तो आप ले सकते हो A to Z और लिम्सी, ये दोनों साथ ले सकते हो, या तो आप ये वाला ले सकते हो, इससे आपका बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। और ये लेना कब है, जैसे कि आप नाश्ता करते हो, चाहे 8 बजे करो चाहे 9 बजे करो, कुछ खा के आप ये मल्टीविटामिन ले सकते हो, ठीक है। आपका रनिंग में इन सब में इंजरी से बचावट ये मल्टीविटामिन करता है। तो दोस्तों मैं बात करूंगा दूसरे सप्लीमेंट की, क्रिएटिन। दोस्तों क्रिएटिन के शायद आप थोड़ा बोर हो गए, लेकिन मैं चाहूंगा कि आप बोर हो, क्योंकि क्रिएटिन एक ऐसी चीज है दोस्तों, मैं खुद बता रहा हूँ, 6 से 7 साल मैंने खुद यूज करा है, ठीक है। क्रिएटिन एक ऐसी चीज है दोस्तों, मतलब पावर इतनी भर देगी, स्टेमिना इतना भर देगा, आपको खुद ही लगेगा। दोस्तों आप, मैं कहूंगा अगर जिसका बजट बनता है आप क्रिएटिन ले सकते हो। मैं कोई प्रमोट किसी का नहीं कर रहा दोस्तों, आप कोई सा भी क्रिएटिन ले सकते हो, या मसल बिलेज का ले सकते हो, या तो आप GNC का ले सकते हो, या आप कोई सा भी ले सकते हो क्रिएटिन, जो आपके बजट में बैठे आप वही क्रिएटिन ले सकते हो। लेकिन क्रिएटिन ऐसी चीज़ है दोस्तों, पावर, कटिंग और स्टेमिना एक अलग हाई लेवल की बोलूँगा मैं। लेकिन क्रिएटिन बंदा वही बंदा ले जो कम से कम 6 से 7 लीटर पानी पी सकता है। अगर 6 से 7 लीटर पानी नहीं पी सकता तो दोस्तों लेने की जरूरत है ही नहीं आपको, ठीक है। आप क्रिएटिन यूज करो, ये मेरी डिमांड है। अगर आप कुछ समय से पहले करीब 2-3 महीने अगर आपको ट्रेनिंग करते करते हो गए तो आप क्रिएटिन जरूर यूज करो। लेकिन आपको पहले क्लियर कर रहा हूँ, आप पानी ज़्यादा पीना है, 6 से 7 लीटर पानी पीना है। क्रिएटिन में आपको एक चम्मच मिल जाएगा, 5 ग्राम 3 ग्राम का चम्मच मिल जाएगा 5 ग्राम क्रिएटिन। आप वर्कआउट से पहले ले लो, आराम से घोला और आराम से पी लिया, आप 1 हफ्ते बाद खुद ही देखोगे कि हाँ भाई मज़ा आ गया, अलग ही चीज़ है। दोस्तों मान सकता हूँ कि वीडियो थोड़ी लंबी हो रही है, लेकिन क्रिएटिन के बारे में जो मैं जितना कहूँ उतना कम है, इसलिए क्रिएटिन आप अगर बजट है तो आप यूज कर सकते हो। तो बात करूँगा दोस्तों तीसरे सप्लीमेंट की, प्रोटीन। देखो दोस्तों जिसकी डाइट बेस्ट है तो प्रोटीन में ज़्यादा जाने की जरूरत नहीं है। होता ना कि वर्कआउट कर लिया और डाइट लेट खाया तो आप उसकी जगह प्रोटीन ले सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है, डाइट भी लेनी है। लेकिन आपको मैं क्लियर कर रहा हूँ, आपको जो 3 चीज मैंने बताई थी, एज, वर्कआउट और डाइट, ये तीनों बेस्ट हो तो ये चीज़ लेना, अदरवाइज मत लेना, पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं है। आप प्रोटीन में मसल बिलेज का ले सकते हो, ठीक है, या ये वाले प्रोटीन ले सकते हो, ये सारे मैंने यूज कर रखे हैं। अगर आपको पता नहीं है कहाँ से लेना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक दे दूंगा, आप वहाँ से ले सकते हो। ये दोस्तों प्रोटीन ऐसी है, जैसे कि आपकी वर्कआउट करा आपने और मसल थक गई, मसल फट जाती है, जब आप वर्कआउट करते हो तो मसल अंदर अंदर से टूटती है, तो वो रिकवरी करने के लिए प्रोटीन हो गया, मल्टीविटामिन हो गया, ये सब एक रिकवरी का एक पार्ट है। तो आप ये सप्लीमेंट अगर थोड़ा यूज करते हो तो आपके रनिंग में, स्टेमिना में 100% फ़र्क पड़ेगा। अगर फ़र्क नहीं पड़ता तो आप खुद सोच के देखो, जो ओलंपिक लेवल के, जो नेशनल लेवल के हैं, वो प्रोटीन मल्टीविटामिन क्यों लेते हैं? वो इसीलिए लेते हैं कि हमारी टाइमिंग अच्छी आए और अच्छा इंप्रूवमेंट अच्छा कर सकें, ठीक है। दोस्तों मैं बता दूँ, प्रोफेशनल बंदे 1600 मीटर 4 डाउन की भाग सकते हैं, अच्छे लेवल के, नेशनल लेवल की बता रहा हूँ मैं। अगर आपको यकीन है ना, यूट्यूब पर सर्च मार के देखना 1500 मीटर इंडिया रिकॉर्ड या 1500 मीटर इंडिया गेम, आपको पता चल जाएगा क्या टाइमिंग मार रहे हैं, ठीक है। दोस्तों ये सब हमारे अकेडमी में एक अच्छे से पूरा प्रिपेयर कराया जाता है, बताया जाता है कि कैसे क्या खाना है, क्या नहीं खाना, क्या वर्कआउट कराना है। दोस्तों अगर आप भी हमारे अकेडमी में आना चाहते हो, हेल्पलाइन नंबर नीचे दे रखा है, आप आ सकते हो हमारी अकेडमी। बाकी वीडियो इतनी, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।